हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रांतीय राज्य के बारे में और उसका नाम है बंगाल। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों के बारे में हम लोगों ने बात किया और आज हम लोग की टॉपिक थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसमें हम दो राज्यों के बारे में बात करेंगे। और आगे बात करते हैं बंगाल और मालवा, इन दो राज्यों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बंगाल की हिस्ट्री के बारे में और देखते हैं कि वहाँ पर किसने जो है स्वतंत्रता की सबसे पहले घोषणा की थी। तो बंगाल और बिहार ये जो दो राज्य थे, इसको फतेह किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा। ये मोहम्मद गौरी का एक दास था। जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुबाचा था, उसी तरह से मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी भी कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था, जिसने सबसे पहले बिहार पर हमला किया और वहाँ पे नालंदा को जाके तहस नहस कर दिया। नालंदा की जो लाइब्रेरी थी उसमें आग लगा दिया। उसके बाद वो बंगाल पहुँचा और बंगाल को फतह किया। तो इस तरह से बंगाल और बिहार, ये जो दो राज्य थे, इनको सबसे पहले जीता किसने था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में सर्वाधिक विद्रोह अगर देखने को मिलता है तो मिलता है बंगाल में। कई बार एग्जाम में आपके प्रश्न आया होगा कि सल्तनतकालीन उत्तर भारतीय प्रांतों में सबसे ज़्यादा विद्रोह कौन से राज्य में हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ है बंगाल में। बंगाल पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए गयासुद्दीन तुगलक, नाम सुना है ना, तुगलक वंश का शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तीन शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, याद है ना आप सभी को। तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर अपना कंट्रोल और नियंत्रण बनाए रखने के लिए बंगाल को तीन भागों में बांट दिया था। एक का नाम रखा था उत्तरी बंगाल, जिसकी राजधानी थी लखनौती। उत्तरी बंगाल राजधानी थी लखनौती, पूर्वी बंगाल इसकी राजधानी थी सोनारगांव और दक्षिणी बंगाल जिसका नाम है सतगांव। यानी इस समय जो है पश्चिम बंगाल उसको छोड़कर बाकी उत्तर दक्षिण पूर्व ये तीनों बंगाल के पार्ट कर दिए थे गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप सभी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने 1338 में, गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सिर्फ इतना काम किया कि बंगाल में अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए बंगाल को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उसके समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था फखरुद्दीन मुबारक शाह। ये उत्तरी बंगाल से संबंध रखता था और इसी का नाम था अलाउद्दीन अली शाह। इसने जो है उत्तरी बंगाल में स्वतंत्र राज्य की घोषणा किया और एक अपना अलग से राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी लखनौती को न बना करके इसने अपनी राजधानी चुना पांडुआ को। पांडुआ एक जगह का नाम है, पांडुआ को अपनी राजधानी चूज कर लिया। इसी तरह से आगे चल के 1345 ईस्वी में अलाउद्दीन अली शाह के एक सरदार जिसका नाम था इलियास खां ने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया। ये तो जो अलाउद्दीन अली शाह था ये तो उत्तरी बंगाल पर अधिकार किया हुआ था, लेकिन जो उसका सरदार था जिसका नाम इलियास खां था, उसने संपूर्ण बंगाल पर, पूरे के पूरे बंगाल पर ही अधिकार कर लिया और अपना नाम रखा सुल्तान शमसुद्दीन इलियास। ठीक है, इस नाम से वो सत्ता संभालना शुरू किया और जिस समय यह सुल्तान बना उस समय तक तुगलक वंश में किसका शासन आ चुका था? फिरोज शाह तुगलक का। आगे चल के 1357 में बड़े कम समय में इसकी मृत्यु भी हो गई। 1357 में सुल्तान शमसुद्दीन इलियास की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक का इतिहास थोड़ा सा हमें ओवरव्यू देखने को मिला बंगाल के बारे में। और भी बंगाल के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अभी तो हम तुगलक वंश तक पहुँचे हैं और इसको लेके आना हमें हर हाल में मुगल तक। ठीक है, अगला राजा आया सिकंदर शाह। सिकंदर नाम से एक राजा दोस्तों कश्मीर में भी था, मैंने बताया था आपको, अगर नहीं बताए होंगे तो आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सिकंदर शाह के समय भी तुगलक वंश में कौन राजा था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। और फिरोज शाह तुगलक ने बड़ा प्रयास किया कि नहीं, ठीक है, बंगाल हमारे जो नियंत्रण में आ जाए, लेकिन वो इस मामले में असफल रहा। ठीक है, उसने जो है युद्ध भी लड़ा था सिकंदर शाह से। युद्ध क्या लड़ा था कि बंगाल की जनता को अपनी तरफ लुभाने के लिए उसने बहुत सारी जागीरें बांटी, मुफ्त में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी, लेकिन वह अपने चाल में कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, सिकंदर शाह राजधानी जो थी पांडुआ, 1368 में पांडुआ में इसने एक अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था सिकंदर शाह ने। सिकंदर शाह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले इसी पर हमला किया था, इस वजह से इसका नाम याद रखना जरूरी है। दो बार हमला किया था, दोनों बार विफल था। गयासुद्दीन आजम शाह यह इलियास वंश का सबसे योग्य शासक था। ठीक है, और इसके चीन के सम्राट के साथ इसके अच्छे संबंध थे और इसने चीनी दरबार में अपना दूत मंडल भी भेजा था। इसके अलावा चीन के सम्राट ने भारत में भी
बंगाल में किसके यहाँ, गयासुद्दीन आजम शाह के यहाँ अपना दूतमंडल भेजा था। तो एक अच्छा शासक था गयासुद्दीन आजम शाह। इसके बाद अगला शासन आता है शमशुद्दीन अहमद शाह का, शमशुद्दीन अहमद शाह। इसी के समय में जौनपुर के इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह का नाम सुना ना आपने, जौनपुर के बारे में मैंने जब आपको डिटेल में बताया था उस समय मैंने आपको इंडिकेट किया था, इब्राहिम शाह सरकी ने आक्रमण किया शमशुद्दीन अहमद शाह पर, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छा कोई परिणाम न निकल पाया। अगला शासक है रुकनुद्दीन बारबक शाह। दोस्तों आपको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले हिस्ट्री के वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें किया और यहाँ पे कुछ इस तरह का था नहीं कि जिससे आपको मजा आए। ये सिर्फ हम बात करें प्रांतीय राज्यों की स्वतंत्रता के बारे में, तो आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू करके जान लो, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं आते, बहुत छोटे मोटे प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर आप देखे रहोगे तो आप उस तरह के जो प्रश्न बनेंगे वो एग्ज़ाम में आप क्लियर कर लोगे, हल कर लोगे। तो अभी यहाँ पे मज़ा नहीं आने वाला है, अभी आगे जो आपको मज़ा आएगा थोड़ा सा पढ़ने में, अभी ये जब टॉपिक समाप्त होगा और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सूफी संतों के बारे में, तो वहाँ मैं आपको डिटेल से अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मुग़ल के बारे में। तो जब मुग़ल पीरियड शुरू होगा ना, तो वहाँ बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पूरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है कि जो है आपको हर जगह मज़ा है, हर टॉपिक पे मज़ा है, तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे लिए पढ़ाई में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो इस वजह से हमें सब कुछ देखना है, मज़े के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। रुकनुद्दीन बारबक शाह, इसने सबसे बड़ा काम ये किया था कि अपने सैनिकों में अरब सैनिकों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में अरब सैनिकों की भर्ती किया था। इसके अलावा इसके यहाँ इनसे संरक्षण भी दिया था मालधर वसु को, एक बहुत ही अच्छे लेखक थे मालधर वसु, इन्होंने श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ की भी रचना किया है, श्री कृष्ण विजय, और इसीलिए रुकनुद्दीन बारबक शाह ने इनको उपाधि दिया था गुरदाज खान का, गुरदाज खान का। तो ये इनकी ग्रंथ के बारे में कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। इन्हीं के समय में किसके, रुकनुद्दीन बारबक शाह के समय में ही कृतिवास, कृतिवास का नाम सुना है ना, कृतिवास ने रामायण को बंगला भाषा में अनुवाद किया था और इसी को बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है। किसको, रामायण को, जो कृतिवास ने कन्वर्ट किया, लिखा था, अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था बंगला भाषा में, उसी को बंगाल का बाइबिल भी कहा जाता है, बंगाल का बाइबिल, ठीक है। आइए थोड़ी सी बातें और करेंगे, इसके बाद ये टॉपिक जो है एंड हो जाएगी। अगला शासक आता है अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है। देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। बंगाल के मुस्लिम शासकों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अगर किसी को माना जाता है तो वह है अलाउद्दीन हुसैन शाह को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसके अलावा ये बहुत ही उदार शासक था, इसने अपने यहाँ हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किया, यहाँ तक कि वजीर और जो बड़े बड़े पद थे वो सब के सब हिंदुओं के अंडर में थे। उसने खलीफतुल्लाह की उपाधि भी धारण की और हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण इसे कृष्ण का अवतार भी कहा जाता था। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि किस शासक को, किस मुस्लिम शासक को कृष्ण का अवतार माना जाता था, तो याद रखिए अलाउद्दीन हुसैन शाह को कहा जाता था और यह बंगाल का शासक था, ठीक है। इसके अलावा इसे नृपति तिलक के की उपाधि भी मिली थी, जगत भूषण की उपाधि भी मिली थी। तो इसमें से श्री कृष्ण और जगत भूषण ये दोनों बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा है। उसने लोधियों द्वारा पराजित जौनपुर के सरकी सुल्तान को अपने यहाँ शरण भी प्रदान किया था। इसी के समय में बंगाल में सत्यपीर संप्रदाय भी चला, सत्यपीर एक संप्रदाय था और वो किसके समय में स्टार्ट हुआ था, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में। इसके बाद अगला शासक था नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का सुल्तान कौन था, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा नुसरत शाह। रामायण और महाभारत का बंगला में इसके समय में अनुवाद भी किया गया, हालांकि कृतिवास ने रामायण का अनुवाद बंगला में पहले किया था, लेकिन इसके समय में महाभारत का स्पेशली अनुवाद कराया गया। उसने गौड़ में एक बड़ा सोन मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद, ये दो मस्जिद बनवाया है कहाँ पर, गौड़ में। और लास्ट टाइम क्या होता है कि शेरशाह सूरी का बंगाल पर अधिकार हो जाता है 1539 में, ठीक है, और इसके बाद से फिर बंगाल किसके, दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से पूरा बंगाल के बारे में हम लोगों ने देखा कि बंगाल का स्वतंत्र उदय कब हुआ और बंगाल लास्ट टाइम आके कब जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, ठीक है। ये तो पूरी हिस्ट्री रही बंगाल के बारे में, और अब चलिए शुरू करते हैं आज एक और स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा कवर हो जाए जल्दी से। अगला प्रांतीय राज्य पढ़ना हमें मालवा के बारे में, ठीक है, मालवा। और मालवा के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ अलाउद्दीन खिलजी का। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था।
कब, 1305 ईस्वी में। और आगे चल के फिर स्वतंत्रता की घोषणा करता है 1401 ईस्वी में, यानी लगभग 95 साल बाद स्वतंत्र राज्य की घोषणा करता है कौन, हुसैन खां गोरी। हुसैन खां गोरी एक व्यक्ति का नाम है, और फिरोज शाह तुगलक का शासन चल रहा था, क्योंकि खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ही आया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसी उपाधि भी दी थी दिलावर खां की। कौन सी उपाधि दी थी, दिलावर खां की उपाधि दी थी। अगर हम बात करें मालवा की कि मालवा है कहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मालवा जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में पड़ता है, नर्मदा और ताप्ती नदी के ठीक बीच में पड़ता है मालवा। और मालवा की राजधानी जो हुसैन शाह गोरी ने बनाई थी वो थी धार, धार जगह का नाम है, ठीक है, धार। इसके बाद अगला शासक आता अल्प खां, जो कि हुसैन खां गोरी का पुत्र था, और इसने उपाधि धारण की हुसंग शाह का, हुसंग शाह, ठीक है। और बहुत ज़्यादा समय तक हुसैन खां गोरी नहीं था, 1401 में बैठा था, 1406 में जो इसके पुत्र का शासन आ गया। और इसने अपनी राजधानी पहले चेंज की मांडू को बनाया, एक्चुअली जानबूझ के नहीं चेंज किया था। हुआ क्या था कि 1407 ईस्वी में, ठीक है, 6 में राजा बना था, 1407 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। बंदी बनने के बाद फिर जब वहाँ से छूटा हुआ, तो छूट कर जब वो आया तब जाके उसने अपनी राजधानी शिफ्ट किया था, धार से राजधानी को शिफ्ट कर लिया कहाँ पर, मांडू, ठीक है। अल्प खां जो था एक बहुत ही सहिष्णु शासक था, उसने राजपूतों को मालवा में बसने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। इसके अलावा इसने नर्मदा नदी के किनारे एक नया शहर बसाया जिसका नाम था होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, याद रखिएगा, होशंगाबाद का निर्माण, शहर की स्थापना किसने किया है, तो हुसंग शाह ने किया है, जिसका पुराना नाम था, मतलब बचपन का नाम था अल्प खां, वास्तविक नाम। इसके अलावा हम बात करते हैं महमूद खिलजी प्रथम के बारे में। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था मालवा का महमूद खिलजी प्रथम। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब हम लोग मेवाड़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो राणा कुंभा से हुए युद्धों में दोनों शासकों ने विजय का दावा किया था, हालांकि जो इतिहास इसमें बेसिकली ये बात मिलता है कि राणा कुंभा ने मालवा को जीतने के बाद जो है एक स्तंभ बनाया था जिसका नाम था विजय स्तंभ, ठीक है ना, विजय स्तंभ, याद है ना, तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। लेकिन कई जगह ये भी मिलता है कि दोनों शासकों ने जो है अपने अपने विजय का दावा किया था, और महमूद खिलजी ने भी उस लड़ाई के बाद मांडू में 7 मंजिलों वाला एक महल बनवाया था, स्तंभ बनवाया था, महल नहीं स्तंभ, 7 मंजिलों वाला एक स्तंभ बनवाया कहाँ पर, मांडू में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है, ये इतिहास है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट देती है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपनी पढ़ाई करना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक को लेके प्रेशर में नहीं होना है, ठीक है। तो 7 मंजिलों वाला एक स्तंभ भी बनवाया गया था। उसके शासनकाल में मालवा का जो गौरव था वे अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसने मांडू में चिकित्सालय भी बनवाए थे, आवासीय विद्यालय की भी निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अगला शासक आया दोस्तों, ये गयासुद्दीन आया, ठीक है, गयासुद्दीन, इसके महल में लगभग 16,000 दासियाँ थीं। इसने तुर्की और यूरोपियाई दासियों की एक अंगरक्षक सेना भी तैयार कर लिया था गयासुद्दीन ने, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए महमूद खिलजी दुती, इसने मुसलमान अमीरों से अपनी रक्षा के लिए चंदेरी के राजपूत शासक जिसका नाम था मेदिनी राय, इसको अपना वजीर बनाया। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद दुती को परास्त कर मालवा को गुजरात का अंग बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहादुर शाह जो है क्या करता है, जो मालवा है उसको मिला देता है गुजरात में। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दोस्तों गुजरात के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, गुजरात बचा है, खानदेश बचा है, तो एक दो टॉपिक और है, इसको कवर करने के बाद तुरंत हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, सूफी संतों के बारे में पढ़ने के लिए, और देन हम लोग आएंगे सीधे मुगल पर, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करते हैं अच्छे से, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप तैयार रहिएगा, सब कुछ पढ़ते लिखते चलिए, जो भी बूस्टर सीरीज वगैरह गई है उसको देख लीजिए, और जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी हाल ही में नज़दीक है वो लोग एक बार रिवीजन सीरीज जरूर देखा करें। रिवीजन सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।